आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर में अपराध है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कुछ न कुछ वारदातें शहर में हो ही रही हैं। जबलपुर के गढ़ा इलाके में एक बार फिर सरहंगों ने गुंडा टैक्स न देने पर ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब ऑटो चालक अपने घर की ओर जा रहा था, तभी सरहंगों ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया और गुंडा टैक्स की मांग करने लगे। सरहंगों द्वारा चाकू से किए गए हमले में ऑटो चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। घायल ऑटो चालक का आरोप है कि बचवा और गुल्लू सोली नाम के सरहंगों ने उसका रास्ता रोककर पैसों की मांग की थी और जब पैसे नहीं दिए तो उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। घटना के बाद दोनों ही आरोपी मौके से फरार बताए गए हैं। पुलिस ने मामले में घायल की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश की जा रही है। ये कहां से आ रहे थे, क्या जा रहे थे? जी सर, बस स्टैंड से आ रहे थे, उसी से घर ही जा रहे थे। उन्होंने ऑटो रोकी तो हम चलो भैया बैठ रहा हूँ, चल बैठ जाओ, हम जा रहे घर सकड़ा। जी किन ने मारा, किन को जानते? किसने मारा? बचवा बचवा बोलते हैं और गुल्लू सोनी। किस बात को लेकर? सर जी के पैसे थे 200 रुपये, हम ये है नहीं है। मैंने जय बोले कि मैं रब्बू हमारा दोस्त रहता है पे दो ताल में और मार कर चले गए। सर आप उनको जानते थे क्या? जी सर पहले से जानते हैं। हाँ, पर रब्बू को जानते हो। आपका शुभ नाम? हरी सिंह ठाकुर।